हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी के हलवे की बहुत ही शानदार रेसिपी, जो कि स्पेशली नवरात्रि के दिनों में अष्टमी या नवमी के दिन जब हम कन्याओं को भोजन करवाते हैं तब हम माताजी के भोग में बनाते हैं। इस नवरात्रि में जब भी आप कन्याओं को भोजन कराएं तब आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, सूजी का हलवा ज़रूर से बनाएं। तो आइए अब बिना कोई देर किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है आधी कटोरी सूजी और आधी ही कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली है और कुछ केसर के तार को मैंने इस तरह से पानी में भिगो कर रखा हुआ है ताकि केसर अच्छी तरह से अपना रंग छोड़ दें। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिए और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर एक के दो करके टुकड़ों में काट लिया है। अब मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। सबसे पहले हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच घी और जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए तब लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और किशमिश तो इस तरह से फूल जाएगी, इससे आपके हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए कुछ सेकंड्स में ही ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं, अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच घी, सेम कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच घी और ऐड करेंगे। अब जैसे हमारा घी गर्म हो जाएगा हमें इसमें ऐड करना है ये सूजी। अब इस टाइम पर आप गैस का फ्लेम या तो बिल्कुल लो कर दें या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए तब तक इसे भूनें। ये देखिए इस तरह से कंटिन्यू इसे चलाते हुए जाना है, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि हमें पानी बॉईल होने के लिए रखना है। देखिए मैं अब जितनी हमने सूजी ली है उसका 4 गुना पानी हमें यहाँ पर लेना है। हमने यहाँ पर सेम कटोरी से आधी कटोरी सूजी ली थी इसलिए हम यहाँ पर 2 कटोरी पानी ले रहे हैं, मतलब सूजी का 4 गुना हमें पानी लेना होता है क्योंकि सूजी पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। पहले हम पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे, जैसे पानी में उबाल आ जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये चीनी। आप कोई भी कटोरिया का मेज़र कर लें, बस उसी के नापतोल से आपको ये हलवा बनाना है बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। अब इसी टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे ये केसर वाला पानी। आप चाहें तो इस टाइम पर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो बिल्कुल लास्ट में जब आप गैस बंद करें हलवा बनने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हमने केसर को पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था इसलिए आप देख सकते हैं हमारे पानी का कलर जो है वो कितना अच्छा आया है। हमें किसी तरह की कोई चाशनी नहीं बनानी, बस हमें हाई फ्लेम पर चीनी को बहुत ही अच्छे से मेल्ट होने तक पानी को बॉईल कर लेना है। अब हमारा पानी बिल्कुल रेडी है, हमने गैस बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ हमारी जो सूजी है वो भी बहुत अच्छे से सिक चुकी है। देख सकते हैं कितना प्यारा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। ये काम हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर किया है, बस जैसे ही हमारी सूजी सिक जाएगी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये सारा पानी। पानी ऐड करते हुए आप थोड़ा सावधानी बरतें क्योंकि जैसे आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे बहुत तेज़ इसके अंदर बबल उठते हैं जिससे आपके हाथ जल सकते हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुली ये सब करें। अब ये काम आपको हाई फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम पर मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे और आपका हलवा बनकर रेडी हो जाएगा क्योंकि हमने पानी को भी बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लिया है और सूजी को भी बिल्कुल लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से भून लिया था। ये देखिए मुश्किल से 4 से 5 मिनट ही हुए और आप देख सकते हैं हमारा हलवा जो है अभी से कितना गाढ़ा हो गया है और कितना ज़्यादा दानेदार लग रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार होता है। ये आप इस नवरात्रि में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनकर आपका तैयार होगा अगर आप मेरे इस रेशियो को फॉलो करते हैं तो, मेरे इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो। आप देख सकते हैं हमारा हलवा कितना दानेदार लग रहा है। बस अब हम इस टाइम पर इसमें ऐड कर देंगे ये ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे ताकि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगे, एकदम ग्लोसी सा लगे। ओवरऑल इस हलवे में जितनी हमने सूजी ली थी उससे थोड़ा सा कम घी इसमें लग चुका है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। सूजी और चीनी की क्वांटिटी इसमें बिल्कुल इक्वल होती है और घी की क्वांटिटी सूजी से थोड़ी सी कम होती है और पानी सूजी का 4 गुना होता है,
बस आप इन्हीं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए सूजी का हलवा बनाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर आपका तैयार होता है। और जब भी आप कन्याओं को भोजन करवाएं तब सूजी का हलवा और काले चने की सूखी सब्जी ज़रूर बनाएं। ये कन्याओं को भोजन कराने के लिए और माता जी को भोग लगाने के लिए बहुत ही अच्छा भोजन माना जाता है, काले चने और हलवा पूड़ी। तो प्लीज़ आप मेरे रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।